हेलो स्टूडेंट्स आई एम गुरविंदर कौर वेलकम टू अभिमन्यु आई एस इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट एंड ऑल्सो यूट्यूब चैनल बेस्ट यूट्यूब चैनल है स्टूडेंट ये फॉर द आई एस एंड पीसीएस सी एस एग्ज़ामिनेशन तो स्टूडेंट आप भी यू uh, नो you know, इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए राइट इस इंस्टीट्यूट का ठीक है यहाँ पे जो भी हमारी फैकल्टी है जो भी हमारी एक्सपर्ट टीम्स हैं उनका आप पूरी अच्छे तरीके से यू you नो know, बेनिफिट ले सकते हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हमारा आज का सेशन आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा हमारा पीसीएस सी एस ट्वेंटी ट्वेंटी के क्वेश्चन की डिस्कशन राइट इसमें स्टूडेंट हमने ऑलरेडी सिक्सटी फोर नंबर क्वेश्चन तक हमने डिस्कशन कर लिया है तो आज हम ट्वेंटी ट्वेंटी वाला जो हमारा लास्ट पेपर हुआ था उसकी डिस्कशन करते हैं सिक्सटी फाइव नंबर क्वेश्चन से ठीक है जी ओके तो ठीक है स्टूडेंट क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है और फिर आपको इसको अटेम्प्ट करना है ठीक है जी तो क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट देखिए कहता है रीड द फॉलोविंग एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ठीक है करेक्ट स्टेटमेंट यहां पे देखना है आपको बताना है ठीक है पहली स्टेटमेंट कहता है कहता द हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट इज टू डेवलप तो हिमाचल प्रदेश की हमारी गवर्नमेंट है इज टू डेवलप इंडिया फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ऑफ इंडिया कहता जो हिमाचल की गवर्नमेंट है वो सबसे पहले इंडिया के अंदर पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर जो है वो ओपन कर रही है कहता द सेंटर इज़ टू बी डेवलप्ड बाय द हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम कहता है और इसको डेवलप कौन करेगा हिमाचल प्रदेश का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और हमारा यूएनडीपी फिर दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं बच्चे कहता है दूसरी स्टेटमेंट में ये बोलता है कहता है ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इको प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो हमारा इस टाइम पे जो हमारा स्नो लेपर्ड है स्नो लेपर्ड के बारे में पता होना चाहिए बच्चे ठीक है कहता है इज एन इंटर गवर्नमेंटल अलायंस ऑफ ऑल ट्वेल्व स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज कहता है ये कोलेबोरेशन है ठीक है प्रोटेक्शन uh, प्रोग्राम है जिसके अंदर हमारे ट्वेल्व स्नो स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज़ मतलब कि ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे स्नो लेपर्ड हमें मिलता है स्टूडेंट उनका ये एक तरीके का कोलेबोरेशन है ये उनका एक प्रोटेक्शन प्रोग्राम है ठीक है इंटर गवर्नमेंटल है मतलब कि ऐसा नहीं कि इसमें एक कंट्री इन्वॉल्व है बहुत सारी गवर्नमेंट जो कंट्रीज़ हैं उनकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है कौन सी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं जहाँ पे हमें स्नो लेपर्ड मिलता है ठीक है जो वहाँ पे रेंज है तो ज़्यादातर जो बच्चे स्नो लेपर्ड मिलता है हमें वो हमें मिलता है पहाड़ी इलाके के अंदर हिमालयन रीजन के अंदर ठीक है जहाँ पे बर्फबारी वगैरह होती है ठीक है अच्छी खासी स्नो रहती है वहाँ पे वहाँ पे हमें स्नो लेपर्ड मिलता है तो स्टूडेंट आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन मैं जनरेट करती हूँ यहाँ पे कि स्नो लेपर्ड की अकॉर्डिंग टू आयो लिस्ट के अकॉर्डिंग वो किस में आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है एंडेंजर्ड है वनरेबल है ठीक है या फिर लीस्ट कंसर्न है ठीक है तो चार ऑप्शन आपको पता है इन्वायरमेंट का ये क्वेश्चन है ठीक है तो अटैम्प्ट कीजिए बच्चे और कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्नो लेपर्ड किस कैटेगरी में लाई करते हैं ठीक है जी ओके तो स्टेटमेंट है हमारी इसने करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा है कहता दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है फिर बी में कहता स्टेटमेंट वन करेक्ट है फिर सी कहता है स्टेटमेंट टू करेक्ट है फिर डी कहता है नन ऑफ द अब तो आपको बताना है यहाँ पे तो स्टूडेंट जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है यहाँ पे क्यों गलत है क्योंकि इट इज़ नॉट अ हिमाचल प्रदेश इट इज उत्तराखंड उत्तराखंड की सरकार है स्टूडेंट जो क्या जिसने स्नो लेपर्ड को कंजर्व करने के लिए यहाँ पे इनिशिएटिव स्टार्ट किया वहाँ तो पे, पे तुक्काबाजी तो मत ही किया करो तुक्केबाजी ना मुझे लगता है कि करनी ही नहीं चाहिए कुछ कुछ एरियाज है जहाँ पे आप तुक्केबाजी कर सकते हो हर जगह पे आप तुक्केबाजी कर ही नहीं सकते मैं तो मतलब इसके सख्त खिलाफ हूँ अगेंस्ट हूँ तुक्केबाजी के ठीक है पता है नहीं आपको लगा आप आपके दिल ने कहा है ना अंदर से आवाज़ आई कि नहीं सही होगा यार होगा ऐसा कोई इनिशिएटिव ठीक है या मान लीजिए आपने स्नो लेपर्ड प्रोटेक्शन के बारे में अपने पढ़ रखा है अपने इन्वायरमेंट में पढ़ रखा है तो आपके माइंड ने आपसे बोला कि हाँ ठीक है हिमाचल प्रदेश ने कोई प्रोग्राम चलाया होगा मैंने नहीं पढ़ा होगा ठीक है बट हाँ यार स्नो लेपर्ड जो है हाँ उसमें उसके वो न्यूज़ में तो रहता ही है ठीक है ऐसा सा अपने ही दिमाग में कुछ कुछ कहानी बना के और आपने जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन को टिक कर दिया तो फिर आप गलत हो ठीक है तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट दैट इज अवर स्टेटमेंट टू थर्ड जो है हमारी थर्ड स्टेटमेंट जो है ओनली टू स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है ये बात सही है ठीक है हाँ ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारी सेकंड की जो ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम एक इंटर गवर्नमेंट अलायंस है ट्वेल्व स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज का इन्होंने कोलेबोरेशन किया है ठीक है तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है ठीक है बट पहली नहीं है क्योंकि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने पहला जो है हमारा स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन का प्रोग्राम यहाँ पे शुरू किया है ठीक है ये बात आपको क्वेश्चन समझ में आया ठीक है तो स्नो लेपर्ड के बारे में स्टूडेंट पता होना चाहिए सी हेयर स्टूडेंट इन्वायरमेंट में चार पांच टॉपिक है जो स्टेट पीसीएस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं पहला आपके डैम्स लेक्स रिवर्स नेशनल पार्क्स बायोस्फीयर ठीक है आपके यू नो आपके आ, जो हमारे मेन मेन जो एनिमल्स हैं या फिर जो मेन हमारे यू नो फॉरेस्ट के कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आए दिन न्यूज़ में रहते अभी आप, आप देखिए चीता को हमारे इंडिया के अंदर क्या किया गया अफ्रीका से हम लेकर आए उनको है ना तो स्टूडेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर क्वेश्चन बनता है कि क्या इंडिया में चीता पहले से प्रेजेंट हैं नहीं तो चीता जो है वो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में ही हमारे क्या हो गए थे एक्सटिंक्ट हो गए थे ठीक है तो चीता है ही नहीं है इंडिया के अंदर अब इंडिया ने चीता जो है वो इम्पोर्ट किया है अफ्रीका के जंगलों से ठीक है तो आपको पता होना चाहिए बच्चे कि वो कौन से यू you नो know, उसके अंदर फॉरेस्ट के अंदर उसको हम लेकर आए हैं किस तरीके की उसको प्रोटेक्शन चाहिए किस तरीके का वो एनिमल है ठीक है कौन सी कैटेगरी में लाई करता है उसका साइंटिफिक नेम क्या है ठीक है जी अच्छा कौन सी स्पीसीज़ है साइंटिफिक नेम ये सब चीज़ें आपको उसके बारे में पता होनी चाहिए कहाँ से वो लेकर आए हैं हम लोग ठीक है क्या उसकी फूड चेन के अंदर उसकी क्या रोल है ठीक है किस तरीके से वो फूड चेन को मेंटेन करता है इस चीज के बारे में आपको पता होने चाहिए दे आर द टॉप कार्निवरस है ना टॉप कार्निवरस में उसकी लिस्ट आती उनका नाम आता है तो पता होना चाहिए ये बात आपको क्लियर आपको ये बात ठीक है जी ओके ठीक है जी ओ नंबर तो क्वेश्चन पे आओ बच्चे सिक्सटी सिक्स नंबर क्वेश्चन कहता था सिंबल ऑफ इंडियन इको मार्क सिंबल पे क्वेश्चन है फैक्चुअल क्वेश्चन है बच्चे फैक्चुअल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है आता है आता है नहीं आता है, नहीं आता, नहीं आता बात खत्म ठीक है जिसने पढ़ा होगा उसने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा ठीक है सिंबल पूछा है इंडियन इको मार्क का पहला कहता है इथन पीचर दूसरा कहता है स्ट्रॉ बास्केट थर्ड है इथन लैम्प फोर्थ ऑप्शन इज बेम्बो पोट चारों के चारों ऑप्शन इसने इकोलॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे चारों ऑप्शन सेट किया है तो आप मुझे करेक्ट आंसर दीजिए बच्चे इसके अंदर से हाँ जी करेक्ट आंसर दीजिए तो करेक्ट आंसर जो इसका है दैट इज अवर सीथन लैम्प वही हमारा इंडियन इको मार्क का सिंबल ठीक है जी अच्छा इसमें कुछ बताने वाला ऐसा कुछ है नहीं बच्चे सिंपल क्वेश्चन है फैक्ट वाइज क्वेश्चन है ये बात आपको पता होनी चाहिए तो सिक्सटी सेवन नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग ठीक सिक्सटी सेवन नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हां जी कहता है विच अमंग द फॉलोविंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द पालास अब हिस्ट्री के क्वेश्चन तो यहां से शुरू हो चुके हैं हमारे ठीक है हिस्ट्री के क्वेश्चन जो तो है वो हमारे क्या हो गया यहां से शुरू हो चुके हैं ठीक है तो पढ़िए फिर बच्चे पालास के बारे में पालास के बारे में रीड कीजिए पहली स्टेटमेंट कहता है कहता द तो पालास वर एडेंट फॉलोअर ऑफ जैनिज्म जो पालास थे सबसे पहले तो पालास के बारे में आपको पता होना चाहिए बच्चे जो हमारा इंडिया था उस टाइम का इंडिया ठीक है तो पालास जो थे वो हमारे उड़ीसा इस मतलब ईस्टर्न साइड पे उनका रोल था ठीक है उस टाइम पे गुप्तास का रजीम भी था स्टूडेंट गुप्ता का रजीम भी था ठीक है ओके द पालस फाउंडेड द यूनिवर्सिटी ऑफ उदानता यहाँ पे कई जगह जगह पे ना ओ की जगह पर यू दिया हुआ है कोई बात नहीं ठीक है यहाँ पे आई थिंक ये मिस्टेक ही यू है उदानता पुरी यूनिवर्सिटी उदानतापुरी यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर द मिशनरीजेंट टू तिब्बत टू सप्रेड द जेनिज्म क्या था जो पालस थे उन्होंने उदानतापुरी यूनिवर्सिटी में क्या किया मिशनर वहां से मिशनरीज भेजे अपने तिब्बत को जेनिज्म को सप्रेड करने के लिए तो सी हेर स्टूडेंट दोनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे यू नो गलत है क्यों गलत है बच्चे जो पालस थे वो बुद्धिज्म के थे एडेंट फॉलोअर थे वो बुद्धिज्म के और उन्होंने तिब्बत के अंदर जो फॉलोअर्स भेजे अपने मिशनर्स भेजे वो जैनिज्म को प्रमोट करने के लिए नहीं बच्चे वो भेजे थे उन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए ठीक है जी क्लियर हुई आपको ये बात ठीक है तो, तो दैट्स वाई यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी नीदर वन नीदर टू नीदर वन नीदर टू ठीक है क्योंकि जो पालास थे स्टूडेंट वो फॉलोअर थे बुद्धिज्म के सबसे पहले तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए ठहर वाला जो किंग था हमारा वो जैनिज्म का एक बहुत ही तकड़ा फॉलोअर था यहां पे ठीक है उसके बारे में भी आगे आएगा अभी ठीक है तो पालास जो थे उन्होंने उदानतापुर यूनिवर्सिटी फाउंड की थी मिशनरीज उन्होंने तिब्बत में भेजे थे जरूर बट फॉर द बुद्धिज्म नॉट फॉर द जैनिज्म पर्पज ठीक है जैनिज्म को स्प्रेड नहीं किया उन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए पालाज ने अपने मिशनरीज भेजे थे ये बात आपको याद रहेगी यस और नो ठीक है yes no. तो क्वेश्चन देखिए आप किस तरीके से बहुत ही मतलब आप इसको ईजी नहीं मान सकते बच्चे इस क्वेश्चन को आप इजी नहीं कह सकते ठीक है इजी क्वेश्चन नहीं है ये ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे अच्छा कहता है विच अमंग द फॉलोविंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द ट्रू पूछा है अबाउट द अकबर अकबर के रूल के बारे में इसने ट्रू स्टेटमेंट पूछी है बच्चे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे देखने की नीड है ठीक है कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है तो देखो पहला कहता है अकबर ओपन इबादत खाना ठीक है टू पीपल ऑफ सूफीज जैन एथिस्ट सेकंड स्टेटमेंट में वो कहता है कहता है अकबर ईशोर नामा टू टेक ऑल रिलीजियस मैटर्स इन हिज ओन हैंड ठीक है करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए इसने आप मेरे को बताओ करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी इसमें से अकबर के बारे में बताना मेरे को सबसे पहले तो आप याद रखिए बच्चे कि अगर मुगल्स के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई आ, लीनियंट कहूँ मैं अगर रिलीजियस वाइज अगर कोई किंग एम्पायर आया या किंग आया तो रूलर आया तो देट इज़ देट आज देट इज़ अक, अकबर ठीक है अकबर जो था वो वो सारे रिलीजन को ऑलमोस्ट जो है वो इक्वल रिस्पेक्ट देता था ठीक है उसी ने इबादत खाना बनाया था स्टूडेंट जिसके अंदर अलग अलग रिलीजन के जो लोग थे वो वहाँ पे आती थे ठीक है और अपनी अपनी बात जो है वो वहाँ पे रखा करते थे एक टाइप की डिस्कशन हुआ करती थी वहाँ पे क्रिश्चियन बुद्धिज़्म बौद्ध ठीक है खैर बुद्धिज्म बौद्ध एक ही बात है जैनिज्म हो गए हमारे जैन जैनस हो गए हमारे ठीक है मुस्लिम्स हो गए हिंदूज हो गए ठीक है तो वो वहाँ पर आया करते थी, थे ठीक है और जितने भी रिलीजियस मैटर्स थे क्योंकि स्टूडेंट आज के टाइम पे इंडिया जो है वो एक सेकुलर कंट्री बन चुका है आज के टाइम पे रिलीजियस मैटर्स इतने ज़्यादा आपको कोई सीरियस उस पर नहीं दिखेंगे एज पे नहीं दिखेंगे आपको कि उसको लेकर एक बहुत ज़्यादा सीरियस कंसर्न है बट हाँ उस टाइम पे जिस टाइम पे ये सब कुछ हो रहा है उस टाइम पे जो रिलीजियस मैटर्स थे वो बहुत ज़्यादा यू you नो know, काफ़ी ज़्यादा सीरियस हुआ करते थे क्यों क्योंकि जो रिलीजन ही था स्टूडेंट जो मेनली सोसाइटी को क्या कर रहा था एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा था या उसके लिए रूल्स एंड रेगोलेशन बन रहे थे अगर आप हिंदू सोसाइटी की बात करो तो उस टाइम पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन नाम की चीज़ तो थी नहीं ठीक है कि हाँ जी आपको फंडामेंटल राइट्स हैं आप किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं आपको ये राइट right प्रोवाइड है एक्सप्रेशन का है आपके पास आपको कोई एक्सप्लोयड नहीं कर सकता है ना तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स हर चीज़ जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है जिसके हिसाब से हमारे जो सोसाइटी है हमारी को, जो पॉलिटिकल जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उसको हम रन कर रहे हैं इस टाइम पे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है बट उस टाइम पे अगर स्टूडेंट सोसाइटी uh, को कोई गवर्न कर रहा था तो वो था रिलीजन तो अगर कोई चीज़ गवर्न करता है स्टूडेंट तो ऑब्वियसली वो कॉन्फ्लिक्ट में तो रहती ही रहती है है ना इस टाइम आप देखिए सरकारें जो हैं वो हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट में रहती हैं यस और नो तो दैट्स माई स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो रिलीजियस मैटर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा कह रहे थे कंसर्निंग रहते थे मतलब एक रूलर जो था वो मतलब यू नो रिलीजियस मैटर्स को अलग अलग तरीके से टाइम टू टाइम हैंडल करता रहता था ठीक है आपने देखा होगा जजिया जजिया एक टैक्स था ठीक है जो मुगल्स लगाते थे हिंदू डिवोटिस के ऊपर ठीक है कि अगर मान लो उनको कहीं विजिट पे जाना है तो उस विजिट पे उनका टैक्स लगता था ठीक है तो इस तरीके से स्टूडेंट जो है वो यू नो आ, गवर्न किए जाते थे हमारे रिलीजियस मैटर्स जो थे ठीक है ओके बट जो अकबर है वो सारे के सारे रिलीजियस मैटर्स को वो अपने हाथ में ले लेता है वो कहता है कि कोई भी इनडायरेक्टली जो है वो इसको सॉल्व नहीं करेगा डायरेक्टली सारे मैटर्स जो है वो मैं खुद हैंडल करूंगा रिलीजन से रिलेटेड ठीक है और उसने एक हारमोनी बनाने की भी ट्राई की थी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स ठीक है ओके तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूँ तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं बोथ वन एंड टू जो है वो स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट बनती हैं रिलेटेड टू अकबर ये बात क्लियर है आपको ठीक है जी ओके ओके सिक्सटी नाइन नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है रीड कीजिए कहता in है इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज कैरिड आउट देयर एक्टिविटीज फ्रॉम अब्रॉड ठीक है कहता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ऐसे कौन से रिवोल्यूशनरीज थे ऐसे कौन से रिवोल्यूशनरीज थे ठीक है कैरिड आउट देअर एक्टिविटीज फ्रॉम अब्रॉड जो एब्रॉड से अपनी एक्टिविटीज को वो क्या कर रहे थे कैरी कर रहे ठीक है ओके okay. ऐसे कौन से फ्रीडम स्ट्रगल हमारी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर कौन थे कौन से रिवोल्यूशनरीज़ थे जो अपनी एक्टिविटीज़ को अब्रॉड से कर रहे थे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स जैसे अगर आप देखिए अगर हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को देखिए तो नाइनटीन के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अब जो है ना वो एक रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड आ जाता है मतलब कि बहुत सारे जो लोग हैं वो रिवोल्यूशन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं ठीक है थीके? इवन 1905 के बाद ये सिनेरियो शुरू हो ही जाता है ऑलमोस्ट बट ट्वेंटी थर्टी तक आते आते ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है ठीक है खास करके नॉर्थ इंडिया के अंदर पंजाब वाला रीजन क्योंकि वहाँ से माइग्रेशन होनी शुरू हो जाती है अमेरिका कनाडा लंदन की तरफ और वहाँ पे स्टूडेंट जो है वो बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज जो हैं वो एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर रहकर सो so दैट एक ब्रिटिश कंट्री ब्रिटिश ब्रिटेन के ऊपर ब्रिटेन के ऊपर या ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर एक्सटर्नली एक प्रेशर बनाया जाए एक वर्ल्ड लेवल पे एक प्रेशर क्रिएट किया जाए सो so दैट वो इंडिया को क्या कर दे इंडिपेंडेंट कर जैसे आपने गदर पार्टी के बारे में सुना होगा ठीक है हमारे बहुत सारे इवन आपने उनके बारे में भी सुना होगा जैसे पंजाब के अंदर करतार सिंह सराबा ठीक है और हमारे उदय सिंह ठीक है ये बहुत सारे ऐसे हैं जो जो मतलब आपको दिखेंगे कि हाँ जी इनका फॉरेन के साथ रिलेशन था ठीक है वो विजिट करते हैं वहाँ पे वो एक्टिविटीज़ करते हैं तो इस तरीके ठीक है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर पहला वो नाम लेता है कहता है राजा महेंद्र प्रताप दूसरा है कहता है मौलाना बखतुल्ला और थर्ड नेम है लाला हरदयाल ये तीनों ही बंदे जो थे ना स्टूडेंट तीनों ही बंदे जो हैं वो यहाँ पे क्या है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर ऐसे रिवोल्यूशनरीज हैं जो अपनी एक्टिविटीज को अब्रॉड से यू you नो know, चलाते हैं ठीक है ओके ये बात क्लियर हुई आपको यस और नो ठीक है जी ओके 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 तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट हमारा देखो क्या है सबसे पहले तो हमारा तीनों ही है ये तीनों स्टेटमेंट हमारी इन्वॉल्व है ठीक है जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अच्छा एक बात यहाँ से मैंने को बतानी भूल गई जैसे तो ये हमारे मौलाना बरकतुल्ला है जो लाल हरदयाला ये इनकी गदर पार्टी के साथ भी रिलेशन रहे है. ठीक है गदर पार्टी में भी गदर जो हमारी वो थी उनके भी ये मेंबर थे थी, ठीक है अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं अच्छा गदर पार्टी कोई बता सकता है कहाँ पे बनी थी मैं मैं ही बता देती हूँ सैन फ्रेंसिसको आप तो कमेंट करते नहीं हो ठीक है वीडियो देखी चलो जी भागो यहाँ से फटाफट लाइक सब्सक्राइब कुछ तो करो कमेंट करो है ना इतने टाइम से हमारे सेशंस चल रहे हैं ठीक है इतना टाइम तो आप अपने रिलेटिव के साथ बात करते हैं ना उसके साथ भी लगाव हो जाता ठीक है ओके अच्छा बात करते हैं आगे सेवनटी नंबर क्वेश्चन की कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स द शेर शाह शेर शाह सूरी पे यहाँ पे ये यह क्वेश्चन करता है कहता है, शेर शाह सूरी ने कौन से इनिशिएटिव्स लिए टू प्रमोट द ट्रेड एंड कॉमर्स ये बात याद रखो स्टूडेंट शेर शाह सूरी जो थे उन्होंने काफी अच्छा जो है वो यहाँ पे ट्रेड के लिए काम किया था ठीक है अच्छा पहली इंट्रोडक्शन ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर क्वाइंस ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड पहला दूसरा रिस्टोरेशन ऑफ द ग्रैंड ट्रंक रोड थर्ड वन इज सिंपलीफाइड द कस्टम ड्यूटी एंड स्ट्रक्चर ठीक है तो यहाँ पे उसने तीन यहाँ पे स्टेटमेंट दिए कहता पहला इंट्रोडक्शन ऑफ गोल्ड सिल्वर कॉपर क्वाइंस ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बच्चे उसने ऐसा किया था डेफिनेटली दूसरा रिस्टोरेशन ऑफ ग्रैंड ट्रंक रोड ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में थोड़ा समझो बच्चे ये काफी बार आता है यहाँ पे एग्जाम में तो देखो इस चीज़ को ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो एशिया की ओल्डेस्ट रोड थी एशिया की ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट रोड है ये ठीक है ये शुरू होती थी स्टूडेंट हमारे आ, आ, जो मेन जो शुरू होती थी वो शुरू होती थी स्टूडेंट हमारी वेस्ट बंगाल से इवन ऐसा माना जाता है कि वो म्यांमार तक जाती थी पीछे म्यांमार तक भी जाती थी वो वहां से चलते हुए वो उत्तर प्रदेश से होते हुए स्टूडेंट मेन हमारी कैलकटा यूपी ठीक है और हमारी दिल्ली फिर आगे हमारा अमृतसर फिर लाहौर ऐसे करते करते वो अफगानिस्तान तक जाती थी तो स्टूडेंट ये कनेक्ट करती थी स्टूडेंट इंडिया को सेंट्रल एशिया से अगर आज भी अगर आप देखो इंडिया के ट्रेड में सबसे ज़्यादा हर्डल क्या है आप बताओ मेरे को सबसे बड़ा हर्डल है स्टूडेंट हमारा लैंड रूट क्यों क्योंकि सेंट्रल एशिया के साथ स्टूडेंट हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है अगर आप ऊपर देखो अगर तो आप ऊपर देखो स्टूडेंट यहाँ पे दिस इज़ अवर इंडियाज नॉर्थ मोस्ट पार्ट इधर वाली साइड्स तो ब्लॉक कर देते हैं हमें पाकिस्तान पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इसलिए भी क्रिएट किया गया सो दैट स्टूड जो इंडिया है मेन लैंड इंडिया है उसका कट हो जाए सेंट्रल एशिया से और वो वापस से सोने की चिड़िया ना बने भाई इंडिया सोने की चिड़िया कब तक था जब तक उसके कनेक्ट जो थे वो सेंट्रल एशिया सेंट्रल एशिया से होते हुए वो यूरोप तक उसकी मार्केट वो एक्सेस करता था फिर क्या हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ स्टूडेंट हमारा पाकिस्तान ने पहला रास्ता कट किया फिर ऊपर से हमारा पीओके ये कट हो गया हमसे तो डायरेक्ट जो है वो यहां से कनेक्शन जो है वो क्या हो गया हमारा कट हो गया मतलब जो ऊपर का जो हमारा रास्ता था बच्चे ऊपर हिंदू कोश से और इधर से होते पामीर नॉट से जो तो हमारा जो रास्ता था स्टूडेंट वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है यहाँ पे खत्म हो चुके। आप देखिए एक एक हमारी तापी पाइपलाइन करके एक हमारा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम ईरान से डायरेक्ट नेचुरल गैस की पाइप जो है वो आया पाकिस्तान हम लेके आना चाह रहे हैं इंडिया के अंदर बट पाकिस्तान हमें अलाउ नहीं कर रहा रीज़न भी रीज़न सेम है बच्चे आपको भी पता होना चाहिए इंडिया को कोई भी कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली डेवलप नहीं देखना चाहता नॉट दिस इज पॉलिटिकल रीज़न नहीं है सिर्फ इंडिया के फेलियर का इकोनॉमिकली अंडर डेवलपमेंट हमारा जोग्राफिकल जो वो है वो भी एक मेन रीज़न है फिजिकल हर्डल्स जो हैं वो भी मेन रीजन है बच्चे ये इंटरनेशनल रिलेशन जब आप पढ़ते हो उसमें आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते हो कि किस तरीके से यू नो जब पाकिस्तान को क्रिएट किया गया तो उसके पीछे हेक लॉजिक तो था ही नहीं ना ठीक है क्योंकि रिलीजन के बेस पे ब्रिटेन ब्रिटेन जो था वो कभी भी इंडिया को डिवाइड नहीं करना चाहता था वो ठीक है डिवाइड एंड रूल का खेल करके उसने रूल जरूर किया 200 साल बट हाँ वो डिवाइड नहीं करना चाहता था परमानेंटली दो कंट्रीज नहीं बनाना चाहता था वो बट बहुत सारे फैक्टर्स उसको दिखे एंड आफ्टर दैट उसने ये डिसाइड किया कि हाँ इंडिया को डिवाइड कर देना चाहिए मैं ये भी देखा कि मेन लैंड इंडिया से अगर मैं पाकिस्तान जनरेट कर देता हूँ यहाँ पे तो एक कंट्री जनरेट हो जाती है उसके बाद वहाँ से ट्रेड करना सेंट्रल एशिया की तरफ या यूरोप की तरफ इंडिया के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और ऐसा हो रहा है हमारे साथ पाकिस्तान हमें एक्सेस देता नहीं और हम जा पाते नहीं हैं राइट ये भी अगर आप अफ़गानिस्तान देखो तो वो इकोनॉमिकली अंडर मतलब यू नो इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं हो पा रहा है कभी भी नहीं होगा आने वाले टाइम में भी वो कभी नहीं होगा क्योंकि वो एक लैंड कंट्री है राइट ठीक है जी तो यहाँ पे यही चीज समझने वाली बात है बच्ची कि जो रोड है जो हमारा लैंड लैंड से होते हुए जो रस्ते हैं स्टूडेंट वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो हमारा ग्रैंड ट्रंक रोड था स्टूडेंट ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट रोड था जो तो स्टार्ट होता था हमारा बांग्लादेश से लेकर और जाता था स्टूडेंट हमारा लाहौर अमृतसर क्रॉस करते हुए अफगानिस्तान में और कनेक्ट करता था सेंट्रल एशिया और यूरोप को इंडिया से डायरेक्टली और यहीं से ज़्यादातर जो ट्रेड था वो हो रहा था ठीक है जी अच्छा सिम्प्लीफाइड द कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर बिल्कुल इसने सिम्पलीफाई किया था स्टूडेंट शेर शाह सूरी ने तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है स्टूडेंट सो so दैट्स वाई यहाँ पे जो ऑप्शन बनता है वो बनता है स्टूडेंट हमारा डी वन टू थ्री क्लियर है स्टूडेंट आपको ये बात यस यसुर ठीक है जी ओके आगे बढ़ते हैं संगम के बारे में बट आई थिंक सो कि हम नहीं हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर बट एक चीज मैं यहाँ पे अनाउंस करूँगी बच्चे वो ये कि एक हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट फॉर द पंजाब सिविल सर्विसेज एंड यू नो दैट ही अभिमन्यू आई जो लास्ट ट्वेंटी फाइव से यू नो आई एंड पी के लिए मोस्ट ट्रस्टेड एंड मोस्ट यू you नो know, uh, uh, मैं कहूँ तो पावरफुल इंस्टीट्यूट रहा है एक तरीके का ठीक है जिसमें कंजिक्यूटिवी स्टूडेंट हमारी रैंक वन जो है हमने सिक्योर की है चाहे फिर आप टू थाउजेंड ट्वेल्व का रिजल्ट देख लीजिए फिफ्टीन का देखिए एटीन का देखिए ट्वेंटी ट्वेंटी में देखिए कंटिन्यू जो फर्स्ट रैंक जो रही है वो अभिमन्यु आई एस सी रही है ठीक है जी तो स्टूडेंट आप ज्वाइन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस बैच के अंदर स्टूडेंट हम फुल प्रिपरेशन करेंगे ठीक है फुल टू फुल प्रिपरेशन करेंगे बेसिक से बिल्कुल शुरू करेंगे और फिर हम बढ़ेंगे हमारे एडवांस की तरफ मतलब जैसे अगर मैं जैसे आई एम साइंस एंड मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फैकल्टी हूँ हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से स्टार्ट ना करके हम स्टार्ट करते हैं जर्नल साइंस से सबसे पहले प्रीलिम्स के अंदर जो जर्नल साइंस आती है वहाँ से हम अपना बेस बनाना शुरू करते हैं और फिर हम पढ़ते हैं हमारी जर्नल साइंस जो एडवांस पोर्शन है बायोटेक्नोलॉजी स्पेस टेक्नोलॉजी डिफेंस टेक्नोलॉजी राइट ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं ठीक है जी तो स्टूडेंट आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए जो भी स्टूडेंट पी ऑफिसर बनना चाहते हैं या उन्होंने कभी ना कभी ड्रीम देखा हो या बैठे बैठे सोच ही लिया हो वैसे ही कि चलो यार ऑफिसर बनते हैं बहुत हो गया ठीक है और जो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है हमारा जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है इसमें थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं तो स्टूडेंट उठिए सोचिए मत ठीक है और अपना लग जाइए तैयारी कीजिए स्टूडेंट ठीक है ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं मिलती हैं तो आप बैच ज्वाइन कीजिए स्टूडेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसके अलावा भी स्टूडेंट अगर आप ने पहले से तैयारी करके रखी हुई है और अभी आपको फ़िलहाल सिर्फ गाइडेंस की नीड है ठीक है मैंटरशिप की नीड है ठीक है उसके लिए हम कोई चार्ज वार्ज नहीं करते आपसे कि आपको लगता होगा कि शायद पैसे ही मांग लेंगे हमसे नहीं इस लेवल का नहीं है अभी आई आईएस वो लास्ट ट्वेंटी फाइव ईयर से मार्केट में जाना जाता है ठीक है फॉर द गाइडेंस ठीक है हमारे जो एम सर हैं वो तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि बच्चे मेरे पास आएँ मेरे से पूछें ठीक है तो आप भी आइए स्टूडेंट इवन आप ऑफलाइन सेंटर भी विजिट कर सकते हैं इट इज़ प्रेजेंट इन मोहाली फेज एट इंडस्ट्रियल एरिया तो आप यहाँ आइए स्टूडेंट ठीक है और आकर आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको किसी फैकल्टी से बात करनी है इवन मेरे से भी अगर बात करनी है कब से आप मेरे लेक्चर सुन रहे हो तो आप आ सकते हैं स्टूडेंट ठीक है जी ओके ठीक है स्टूडेंट तो मैं सेशन को यहाँ पे कर रही हूँ ओवर थैंक यू एंड हैवे नाइस डे